आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रविवार को प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, प्रदेश अपराध की राजधानी बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर खुद अपराधियों को शह देने का काम कर रहे हैं। वे खुद बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को वे सुरक्षा नहीं दे सकते। इससे खट्टर सरकार की मंशा समझ आ रही है कि वे अपराध को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना अखबारों में रेप, लूटपाट, डकैती, मर्डर की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन हरियाणा सरकार का प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि कल हिसार में एक ठेकेदार को बुरी तरह पीटा गया। कुछ दिन पहले पानीपत में महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई थी। उस केस में अब तक पुलिस से कोई पुख्ता जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाई है। एक दिन पहले रेवाड़ी में व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया और 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई। हरियाणा का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। आम जनता का पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि पानीपत में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के केस से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। पिछले एक साल में हरियाणा में 1716 रेप के केस सामने आए। अकेले सितंबर महीने में ही महिलाओं के खिलाफ क्राइम के 21 मामले दर्ज हुए हैं। एक दिन में 4-5 रेप हरियाणा में हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि अपराधियों के लिए हरियाणा स्वर्ग बनता जा रहा है। वहीं पिछले एक साल में 3724 केस किडनैपिंग के आ चुके हैं। इससे पता लगता है कि हरियाणा अपराधियों का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर ने यौन शोषण के आरोपी संदीप सिंह को मंत्री पद पर बैठा रखा है। इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। जिस सरकार के मंत्री अपराध में लिप्त हैं, उस प्रदेश में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? सीएम विधानसभा में कहते हैं कि हम संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लेंगे। सीएम का इस प्रकार का बयान अपराधियों के प्रति उनकी सहानुभूति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ना प्रदेश में बेटियाँ सुरक्षित हैं, ना प्रदेश में आम जनता सुरक्षित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार की नाकामियों के चलते बुरी तरह धराशायी हो गई है। अपराधियों के आगे सरकार घुटने टेक चुकी है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। महिलाओं को न्याय मांगने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार अपराध को नियंत्रित करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता भय में जी रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर के पास अभी समय है, प्रदेश की जनता में विश्वास बहाली करने का काम करे। हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुका है। खट्टर साहब खुद अपराधियों को शह देने का काम करते हैं। हरियाणा के सीएम कहते कि मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता। इससे 100% हरियाणा सरकार की मंशा सामने आती है कि वो अपराध को लेकर गंभीर नहीं है। अनेकों अखबारों के अंदर रेप की, लूटपाट की, मर्डर की, चोरी की घटनाएं प्रतिदिन आती हैं, परंतु हरियाणा सरकार कहीं ध्यान नहीं दे रही। कल हिसार में एक ठेकेदार को बुरी तरीके से पीटा गया। रेवाड़ी के अंदर एक होटल में व्यापारी पे जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने 1.5 लाख फिरौती की मांग की। व्यापारियों में पूरी तरीके से डर का माहौल है। हरियाणा का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा। हरियाणा का व्यापारी समय समय पे पलायन की बात सोचता है कि हरियाणा सरकार संरक्षण देने के अंदर कामयाब नहीं। आपने पानीपत के अंदर जो महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, सामूहिक रेप कांड हुआ, पुलिस अभी तक उसके अंदर कोई जानकारी पुख्ता इकट्ठा नहीं कर पाई। हरियाणा में एक साल के अंदर 1716 रेप की घटनाएं सामने आई है। हरियाणा में एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 रेप की घटनाएं भी सामने आती है। सितंबर महीना में, इस महीने में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 21 से ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हुए। क्या हो रहा है हरियाणा में? क्या हरियाणा अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है? हरियाणा के मुख्यमंत्री यौन अपराधियों को मंत्री बना के रखे हुए, कोई एक्शन,
आज तक नहीं ले पाए। फिर आम अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जब मंत्री ही यौन अपराधी है तो हरियाणा में यौन अपराध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में व्यापारियों के फिरौती मांगी जाती है, गोली मार दी जाती है। ये जो अपराध के ऊपर लगाम लगना, खुद पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है, पानीपत के अंदर गोली मारी गई, मेवात के अंदर डंपर चढ़ा दिए जाते हैं, डाडम के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ना पुलिस सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित है। हरियाणा का जनमानस आज कानून व्यवस्था के प्रति बहुत उदासीन हो चुका है। खट्टर साहब से मेरा निवेदन है, अभी कुछ वक्त है आपके पास, हरियाणा की जनता के अंदर सुरक्षा के माहौल को पैदा करें। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।